हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। आज ब्लॉग की शुरुआत ही ना खूबसूरत पेड़ों के बीच से कर रहा हूँ, छाँव से कर रहा हूँ। आसपास ना बहुत सारे बांज के पेड़ हैं, तो बढ़िया सी छाँव हो रखी है इनकी। चिड़ियों की चहचहाट। इस समय ना दोपहर के करीब 1:30 बजे का समय हो रहा है, और फाइनली सीन ये है, आज जाने वाला हूँ मैं अपने गाँव के मंदिर पर। इसलिए ना क्योंकि कल हमारे यहाँ होली का समापन हुआ है 26 तारीख को। शहरों में तो करीब 25 को ही होली का समापन हो चुका था, लेकिन पहाड़ों में जो होली होती है खड़ी होली होती है, तो करीब 5-6 दिनों की होली होती है। तो कल होली का समापन हुआ और आज गांव के मंदिर पर है विशाल भंडारा। इतना हवा भी चल रही है थोड़ी बहुत, और आसमान में बादल भी हैं, तो मैं इस समय कैसा मौसम बना हुआ है वो दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड, कैसा लगा दोपहर का मौसम आप लोगों को कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अब अपने गांव के मंदिर की ओर, घर से आ चुका हूँ। चलते हैं मंदिर पे और आपको भी आपके साथ भी शेयर करता हूँ अपने गांव का विशाल भंडारा जो मंदिर पे होने वाला है। फिलहाल वहाँ पर ना अभी तैयारियाँ चल रही हैं, करीब 4 बजे से भंडारा शुरू होगा। हर साल होली के बाद जिस दिन होली ख़त्म होती है ना, उसके बाद बहुत विशाल भंडारा होता है हमारे यहाँ पर। अलग रीति रिवाज होते हैं, शहरों के अलग रीति रिवाज, पहाड़ों के अलग रीति रिवाज, क्योंकि पूरे गांव वालों का सहयोग रहता है। थोड़े पैसे इकट्ठा सब लोग करते हैं होली पे, और फिर विशाल भंडारा किया जाता है। तो मंदिर पे चलता हूँ, आपको भी शेयर करता हूँ सारी चीज़ें। बाकी आप में से कुछ लोगों ने ना, जब हम उस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, थोड़ा उसको और बढ़ा रहे थे, बरामदा वगैरह वहाँ पर डाल रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों ने ना डोनेशन भी किया था उस मंदिर के लिए। तो फिलहाल ना मैं पहुंच चुका हूं आधे रास्ते पे, और आधे रास्ते से कुछ ऐसा नज़ारा है, देख रहे हो आज आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं, और आजकल पेड़ों में भी पत्तियां वगैरह सब आ चुकी हैं, तो पेड़ भी हरे भरे लग रहे हैं, फलों के पेड़ हैं ये। ये है आड़ू का पेड़, आड़ू भी आ चुके हैं इन पे। यहाँ पर चेक करो फ्रेंड, ये पूरी प्रॉपर्टी ना लीज पर ले रखी है किसी ने, और पूरा एक्टिविटीज़ एरिया यहाँ पर बना दी है। आप साइकिलिंग कर सकते हो, साथ में झूला वगैरह, एक्टिविटीज़ के लिए जो टूरिस्ट सीजन चलेगा ना उसके लिए सारी तैयारियाँ यहाँ पर करी हुई हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे बुरांस के फूल गिरे हुए हैं, मस्त लग रहा है, देख रहे हो बांस की पत्तियाँ और साथ में बुरांस के फूल। इस बार ना दोस्तों बुरांस हर जगह खिले हुए हैं, और जंगल काफ़ी अच्छे लगते हैं बुरांस के खिल जाने से। एक तो हाँ जी फ्रेंड, चलते चलते ना मैं पहुंच चुका हूँ रोड एरिया पे, सामने जो हॉस्टल, तो इससे ही होते हुए थोड़ा और आगे हमको चलना है अपने मंदिर की तरफ को। बाकी यहाँ से भी एक बार नज़ारा दिखाता हूँ आपको, ये पूरा हमारा गांव का ही एरिया है। ये जो बिल्डिंगें देख रहे हो ना नीचे और इस तरफ को, ये सारी लैंड बिकी हुई हैं, और लोगों ने यहाँ अपना, जो शहरों के लोग हैं उन्होंने अपना घर वगैरह बना रखा है। सामने है कसेलिंग मार्केट, और इस तरफ को है चखुटा विलेज, और नीचे भालूगा वाटरफॉल रोड। बाकी कुछ ऐसा सीन है, ऐसे नज़ारे हैं यहाँ से। तो चलिए हम भी चलते हैं मंदिर की ओर, और गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं तो टैंकरों में पानी भी आने लगा है। यहाँ पर भी पानी आ रखा है टैंकर में, देख रहे हो। ये जो ऊपर देख रहे हो ये है ड्रीम कॉटेज, 5 कॉटेजेस हैं यहाँ पे, और नीचे पास में एक नया और बन रहा है। इस रोड पे ना बॉस आपको कसलेक से यहाँ तक कहीं भी आपको लैंड नहीं मिलेगी,
सब ऑलरेडी बिक चुकी हैं और काफ़ी पॉश एरिया है, महंगा महंगा एरिया है, तो लैंड भी काफ़ी महंगी यहाँ पर बिकी हुई है। तो फ्रेंड नीचे है हमारा गांव का मंदिर, यहाँ पे वहाँ पर कुछ लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत भीड़ होने वाली है आज, क्योंकि विशाल भंडारा है होली समापन के बाद। तो यहाँ से है नीचे को रास्ता मंदिर के लिए, ये रास्ता गया आगे काफली विलेज की ओर, काफली गांव की ओर, तो हम चलते हैं इस रास्ते। तो फाइनली दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और मंदिर पर जो भंडारा है वो शुरू हो चुका है। ये हमारा गांव का मंदिर है और गांव के लोग होली के बाद इस भंडारे में यहाँ पर शामिल हैं। सामने हमारा गांव का मंदिर, तो भंडारा तो शुरू हो चुका है और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है। यहाँ पर खाना वगैरह बनाया, जहाँ पे आग जली हुई देख रहे हो आप, और भीड़ ना धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चों की भीड़, बुजुर्गों की भीड़, सयानों की भीड़, और बाद में महिलाओं की बहुत सारी यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। दोस्तों हर साल ना कुछ ऐसा ही होता है, होली के बाद करीब 5-6 दिन की होली होती है पहाड़ों पे, और होली समापन के बाद दूसरे दिन मंदिर में होता है विशाल भंडारा। पूरे गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग इस भंडारे में शामिल होने के लिए आते हैं यहाँ पे, और जो भी यहाँ पर प्रसाद बने रहता है ना उसका सेवन करते हैं। और ये है हमारे भंडारे में बना हुआ प्रसाद, खीर बनी है बड़े से डेक में, और भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या बना हुआ है। पास में बना हुआ है आलू का गुटका, जो पहाड़ों में फेमस है आलू के गुटके, और साथ में आटे का हलवा भी बना हुआ है। यहाँ पे ना भंडारा शुरू होने से पहले सबसे पहले कन्या पूजन होता है, कन्याओं को खिलाया जाता है, उसके बाद और लोगों को भंडारा खिलाया जाता है। और ये है हमारे गांव का मंदिर, भीड़ ना धीरे धीरे बढ़ रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। तो फाइनली दोस्तों जो हमारे महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं ना, उनकी भीड़ भी यहाँ पर आने ही शुरू हो चुकी है, और मंदिर का जो ग्राउंड है ना वो पूरी तरीके से भरने वाला है। सामने में देखिए बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं इस भंडारे पे। तो फ्रेंड शाम का वक्त है, भंडारा फिलहाल निपट चुका है, और इस समय क्या हो रहा है भंडारा के बाद वो आपको दिखाता हूँ क्या सीन अभी कर रहे हैं हम लोग। बाकी ये देखिए सीन्स, शाम का नज़ारा हमारे इस मंदिर से। तो चलो चलता हूँ आगे की तरफ मंदिर के, और आपको दिखाता हूँ इस समय क्या हो रहा है। फ्रेंड अब यहाँ पे सीन ये हो रहा है ना, जो भी हमारे बर्तन इस भंडारे में यूज हुए थे, हम सभी लोग मिलजुल के इन बर्तनों को धोते हैं और साफ करके इनको इनके स्थान पर पहुंचाते हैं जहाँ से इन बर्तनों की व्यवस्था करी गई थी। बाकी ना इस समय माहौल थोड़ा शांत हो चुका है, भंडारा का समापन हो चुका है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना हमारा एक गांव का होली का भंडारा आप लोगों को कैसा लगा। बाकी थोड़ी सी मेहनत और रह गई है, उसके बाद चलेंगे घर को। तो चलो जी फाइनली मंदिर से घर की तरफ को वापसी हो चुकी है, और जो भी हमारा भंडारा था आज, उसके बाद जो छोटे मोटे काम थे वो सारे कंप्लीट करने के बाद अभी हम आधे रास्ते में पहुंच जाता हूं घर को। शाम भी हो रही है धीरे धीरे पहाड़ों पे, और ये कुछ नज़ारा है शाम का।
तो चलिए जी, फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ। शाम भी हो चुकी है। और बाकी कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे गांव पे ना ऐसा ही सीन होता है होली पे, 5-6 दिन की होली के बाद एक बढ़िया सा भंडारा होता है गांव के मंदिर पे, सभी लोग वहां पर आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, और मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लेना जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।